उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक पत्रकार वार्ता का आयोजन होटल IAS में किया गया। वार्ता में दीपक चौधरी को युवा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं व्यापारी GST के विरोध में कल करेंगे विरोध प्रदर्शन। पेश है ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक IAS होटल में की गई, जिसमें GST के खिलाफ वित्त मंत्री को कल ज्ञापन सौंपे जाने की रणनीति पर मीडिया को जानकारी दी गई। 52 सूत्रीय बिंदुओं पर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। GST में अनियमितताओं को लेकर यह ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही दीपक चौधरी को, टूडला के सामाजिक कार्यकर्ता हैं दीपक चौधरी, उनको व्यापार मंडल का युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। निर्विरोध दीपक चौधरी के मनोनीत होने पर समस्त व्यापारियों ने हर्ष व्यक्त किया है और दीपक चौधरी से उम्मीद जताई है कि वह व्यापारी हित में बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल 9 तारीख को जिलाधिकारी के पास हम लोग जाकर एक व्यक्ति नाम ज्ञापन देंगे। इसमें GST में जो खामियाँ हैं उसके विरोध में करीब 52 खामियाँ हैं, उसके पूरा एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और वहाँ वो देगा, प्रेस विज्ञप्ति देगा। दूसरा 12 तारीख को लीड बैंक के सामने हम सब लोग प्रदर्शन करेंगे। 11 बजे से प्रदर्शन करेंगे, 1 बजे तक वहाँ प्रदर्शन करते हुए इसका विरोध करेंगे, रेजगारी ली जाए और बाकी बैंकों में जो खामियाँ से दूर किया जाए। GST का हम स्वागत करते हैं, खुले दिल से चाहते हैं कि हमारा व्यापारी टैक्स दे, उस टैक्स के माध्यम से देश का विकास हो। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि GST में खामियों के द्वारा हमारा व्यापार धंधा चौपट हो रहा है। उसके खिलाफ 9 अक्टूबर को भव्य प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देते हुए हम ये आग्रह करेंगे कि 52 जो हमारी 52 तरह की मांगे हैं उन पर विचार करके उन्हें पुनः संशोधित किया जाए, जिससे कि व्यापार अच्छा हो और व्यापार चले। व्यापारी टैक्स देने की सारा इच्छा रखता है, व्यापारी बहुत ईमानदार है और ये व्यापारी ही सरकार को बनाता है, इस बात को सरकार नोट करे।